सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विटामिन B12 के एक सप्लीमेंट इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसका नाम मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन है। इसे हम मेकोबालामिन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन को जानेंगे, जिसमें इसकी यूज़ को पूरी डिटेल में, साथ ही विटामिन B12 की कमी के कारण जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में जानेंगे, किस नाम से आप इसको मेडिसिन स्टोर पर खरीद सकते हैं, साथ ही इसके साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि इस मिथाइल के बारे में इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाता है, इसकी डोज क्या रहती है, और इसके अलावा कई सारी बातें। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे संपूर्ण जानकारी आपको मिथाइल के बारे में इंजेक्शन के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मिथाइलकोबालामिन विटामिन B12 का ही एक रूप है, जिसे हम मेकोबालामिन नाम से भी जानते हैं, और ये विटामिन B12 के सप्लीमेंट के रूप में कार्य करता है। मिथाइलकोबालामिन आपको इंजेक्शन फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, साथ ही सिरप फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे। और साथ ही आप में से यदि कोई मिथाइलकोबालामिन टेबलेट के बारे में जानना चाहता है, तो मैंने अलग से इसका वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके इसे देख सकते हैं। दोस्तों मिथाइलकोबालामिन जो इंजेक्शन है, आपको 1 ml तथा 2 ml की अलग अलग पैकिंग मिल जाता है। और इसके अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो 500 माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम तथा 1500 माइक्रोग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ मिलता है। ये आपको सिंगल डोज पैकिंग में तथा मल्टी डोज पैकिंग में वाइल और एम्पूल दोनों मिल जाता है। और जब भी आप इस इंजेक्शन को मार्केट से खरीदेंगे, तो आपको ये ब्लैक पैकिंग मिलेगा, साथ ही ब्लैक रेपर इसके ऊपर चढ़ा हुआ मिलेगा। इसका क्या कारण है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम इसकी यूज़ को जान लेते हैं, क्या क्या इसकी यूज़ है, किन बीमारी को ठीक करने के लिए मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन प्रयोग लिया जाता है। इसका जो मुख्यतः प्रयोग है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जिसे हम विटामिन B12 की कमी भी कहते हैं, जिसके कुछ लक्षण के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें व्यक्ति की जो स्किन है येलो हो जाती है, स्किन पे आपको पिन प्रिक मतलब सुई चुभे जैसा फील होगा, साथ ही मुंह में छाले हो जाना, मुंह में सूजन आ जाना, कमजोरी सा फील होना, जी मचलाना, मूड अपसेट हो जाना, सांस लेने में दिक्कत रहना, कई व्यक्तियों में धुंधला दिखने की शिकायत भी देखी गई है। ये कुछ इसके लक्षण होते हैं। इन सभी के ट्रीटमेंट में मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन बहुत ही उपयोगी है, बहुत डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी हो, जिसे हम सामान्य भाषा में खून की कमी कहते हैं, और जिसके जो लक्षण हैं वही है जो हमने विटामिन B12 के बारे में जाने थे, इसको भी ठीक करने के लिए मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही पेरीफेरल न्यूरोपैथी नाम की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति के हाथ और पांव के जो नर्व से जो नसें डैमेज हो जाती है, व्यक्ति को पांव में दर्द रहता है, इसके अलावा हाथ और पांव में उसको सूनापन भी लग सकता है, इस स्थिति को ट्रीट करने के लिए भी मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। इन सभी के अलावा भी यदि किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से भी कमजोरी महसूस हो, उसे चक्कर आए, मूड अपसेट हो, चिड़चिड़ापन से लगे, उसको भूख नहीं लगे, तो इन सभी कंडीशन में भी यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा बहुत ही ज़्यादा प्रयोग लिया जाता है। दोस्तों इसकी यूज़ को जानने के बाद इसकी ब्रांड नेम की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है मिथाइलकोबालामिन दवा का जेनेरिक नाम है, और जब भी हम मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं तो हमें इसे ब्रांड नेम की आवश्यकता होती है। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि नर्वप इंजेक्शन, न्यूरोकाइंड इंजेक्शन, न्यूरोरोल इंजेक्शन, मिथाइलकोबाल इंजेक्शन, ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड रहती है जो बहुत ही ज़्यादा चलन में आपको कहीं पे मिल जाती है। और हो सकता है इसके अलावा भी कोई ब्रांड आपको मार्केट मिल जाए, लेकिन जो सभी ब्रांड से एक ही जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। साथ ही हो सकता है दोस्तों, जो आप ब्रांड नेम खरीदें, किसी में आपको मिथाइलकोबालामिन लिखा हुआ मिले और किसी में मेकोबालामिन लिखा हुआ मिले, इन दोनों से आप बिल्कुल ही कन्फ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये दोनों ही एक ही दवा के दो नाम हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में, क्या क्या साइड इफेक्ट से हो सकते हैं। कॉमनली जो इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं, उसमें जिस व्यक्ति को यह इंजेक्शन लगता है उसकी साइड पे व्यक्ति को दर्द हो सकता है, हॉट सेंसेशन व्यक्ति को हो सकता है, गर्म वहाँ पे लग सकता है, साथ ही नोजिया रहना, वोमिटिंग रहना हो सकता है, दस्त व्यक्ति को लग सकती है, किसी किसी व्यक्ति में रेसेस भी देखे गए हैं। इसके अलावा सिर दर्द भी एक इसका साइड इफेक्ट है। यदि ये या इसके अलावा भी अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले, तो तुरंत ही इस इंजेक्शन को लगाना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले, जैसे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस तरह से लगाया जाता है, इसकी डोज क्या है। मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन IM तथा IV
इंट्रामस्कुलर तथा इंट्रावीनस दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है, लेकिन जब इसको इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है तो आपको एक दो बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। जब आपको ये इंजेक्शन लगे तो जिस जगह पे आपको इंजेक्शन लगाए वहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए मसाज करनी चाहिए, और इसके अलावा जब भी आपको एक से ज़्यादा इंजेक्शन लगे तो प्रत्येक बार जो इंजेक्शन की साइट है उसको चेंज करते रहें, जिससे कि आपको वहाँ पे गांठ नहीं बने और दर्द का सामना नहीं करना पड़े। यह इंजेक्शन जो है आपको बच्चों को, बड़ों को, स्त्री पुरुष या बुजुर्ग सभी में प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि आपको पता है यह जो इंजेक्शन है आपको 500 माइक्रोग्राम, 1000 माइक्रोग्राम तथा 1500 माइक्रोग्राम की अलग अलग पैकिंग मिलता है, लेकिन जब इस इंजेक्शन को डोज की बात करते हैं तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, डिजीज टू डिजीज वेरी करता है कितनी मात्रा में उसको लगाया जाता है। लेकिन जो कॉमन रिकमेंडेड डोज है उसके बारे में आपको बता दूँ, इसमें 1 ml जो 500 माइक्रोग्राम का इंजेक्शन रहता है वो प्रतिदिन व्यक्ति को लगाया जाता है, कई बार हफ्ते में 3 बार भी उसको लगाया जाता है, और सामान्यतः 5 जो इंजेक्शन होते हैं इसके सफिशियंट रहते हैं पेशेंट के लिए, लेकिन कई बार बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने पर इसको 2 महीने तक भी डिवाइडेड डोज में अलग अलग लगाया जा सकता है। और यदि कोई पेशेंट है जो सीवियर एनीमिक है, मतलब खून की बहुत ही ज़्यादा कमी है, तो उसे 1 महीने या 2 महीने के बाद में ये सेम इंजेक्शन रिपीट भी किया जा सकता है। जब इस इंजेक्शन को IV इंट्रावीनस रूट से लगाते हैं तो कई बार इसको फ्लूइड में डाइल्यूट करके भी लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम जान लेते हैं क्यों इस इंजेक्शन को ब्लैक कंटेनर में तथा ब्लैक पैकिंग में रखा जाता है। दोस्तों जो मिथाइलकोबालामिन है ये लाइट से सेंसिटिव होता है, लाइट के कॉन्टैक्ट में आते ही डिकम्पोज हो जाता है, और जो इसकी इफेक्ट कैपेसिटी वो कम हो जाती है, बीमारी को उस तरह से ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण से इसको डार्क कलर की पैकिंग में रखते हैं, जिससे कि ये अपना प्रॉपर असर बता सके। साथ ही जब भी आप इसको खरीदे तो एक विशेष सावधानी रखें, इस इंजेक्शन को डायरेक्ट सनलाइट में लेकर नहीं आए, साथ ही रास्ते में रेपर को नहीं खोलें। ये कुछ सावधानी आप जरूर से रखें। और यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनको ये इंजेक्शन कई बार डॉक्टर देते हैं, और यदि ये इंजेक्शन लग रहा है तो आप अल्कोहल का सेवन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन के बारे में बताई है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ गया हो जोर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल आइकन है इसे दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मुफ्त में मेरा वीडियो आप देख पाएं। आप थे अपने दोस्त मोहित दादी के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल। मेडिसिन यूजर्स।